नमस्कार दोस्तों, आज मैं स्टूडियो पे 2019 हुंडई वेन्यू वर्सेस महिंद्रा की XUV300 का छोटा सा कंपैरिजन करने वाला हूं। आपको बताऊंगा हुंडई वेन्यू महिंद्रा की XUV300 से भी कितना बेहतर है। तो देर क्यों, चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों लाल बटन को दबाइए और ऑटो एक्सप्लो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगल वाले बेल आइकन को छोड़ना मत, उसको भी एक बार दबाई लीजिए, क्योंकि आपको पता चले कि ऑटो एक्सप्लेन के ऊपर एक वीडियो आया है। आपके पास हुंडई वेन्यू की रिमोट की है, आप हुंडई की ब्लू लिंक ऐप को यूज करके आपकी हुंडई वेन्यू कार को आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके साथ ही दोस्तों कई सारे कस्टमाइजेशन फीचर भी हुंडई वेन्यू की ब्लू लिंक ऐप में दिया गया है। उसके साथ ही हुंडई वेन्यू कार को आप बाहर बैठ के ही उस कार की क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि आपने कार से बाहर बैठे हैं, आप इजी से उस कार की क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम सेट कर सकते हो। आपकी 20 टेम्परेचर होना चाहिए या आप 25 चाहिए, आपकी मनपसंद टेम्परेचर आप बैठे ही कार के अंदर कर सकते हो। उसके साथ ही दोस्तों एक और फीचर हुंडई वेन्यू के अंदर है, वो है डोर को अनलॉक और लॉक करना। दोस्तों कार से आप कितना भी दूर हो तो भी चलता है, बट आपके पास कार की होना चाहिए और ब्लू लिंक ऐप होना चाहिए। ब्लू लिंक ऐप को यूज करके आपकी कार की डोर को अनलॉक कर सकते हो और लॉक कर सकते हो। उसके साथ ही ब्लू लिंक ऐप आप यूज करके आपकी कार कहाँ है ये भी पता कर सकते हो, और ब्लू लिंक ऐप को यूज करके हॉर्न भी और हेडलैम्प भी जला सकते हो कार की। दोस्तों जितना भी ये सारे फीचर मैंने बताया हूँ, ये फीचर सिर्फ हुंडई वेन्यू के अंदर ही है, ना आपको मिलती है XUV300 में और ना मिलता है टाटा की नेक्सॉन में। हुंडई वेन्यू कनेक्टेड कार है, महिंद्रा की XUV300 कनेक्टेड कार नहीं है। कैसे आपको बता देता हूँ, हुंडई ने क्या किया है, हुंडई के वेन्यू के अंदर उसकी ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी यूज किया गया है। दोस्तों ब्लू लिंक यूज करके आपकी कार कहां पे भी है तो आप उस कार से कनेक्टेड रहते हो। फॉर एग्जांपल आपको आपकी कार की लाइट को जलाना है, आपकी कार की जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम को सेट करना है, और आपकी कार कहां है, आपकी कार को किसी ने चोरी किया है कि नहीं किया है, और उसकी साइड असिस्टेंट क्या है, ये सारे जैसा फीचर्स आप आपकी मोबाइल में ही आप देख सकते हो और मोबाइल में ही कंट्रोल कर सकते हो। जैसा कि आपने कार को नीचे पार्किंग किया है, आपको पता नहीं कि आपने कहाँ आपकी कार को पार्किंग किया है, तो आप यूज करके यानी कि जो ब्लू लिंक ऐप आता है उसको यूज करके आप हॉर्न जला सकते हो, और यूज करके फाइंड माय कार भी आप कर सकते हो। जब आप फाइंड में कार करोगे तो आपको ऐप पूरी तरह से नेविगेट करेगा आपकी कार तक। ये काफी बढ़िया टेक्नोलॉजी है और इंडिया में तो ऐसे सेगमेंट में आना एक काफी बड़ी बात है, और इंडियन कार मैन्युफैक्चरर दिन भर दिन अच्छा वाला टेक्नोलॉजी इंडिया में ला रहा है, और ऐसा टेक्नोलॉजी महिंद्रा की XUV300 में नहीं है, और मुझे लगता है कि ऐसा टेक्नोलॉजी अब देना बनती है। हुंडई वेन्यू के अंदर 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम है, और महिंद्रा की XUV300 के अंदर 7 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, और XUV300 इंफोटेनमेंट सिस्टम वॉइस कमांड का भी सपोर्ट करता है। दोस्तों महिंद्रा की XUV300 के जो वॉइस कमांड का सपोर्ट करती है वो एक ही लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, वो है इंग्लिश। और आपने इंडिया में देखोगे ना, हर एक स्टेट में एक अलग अलग तरह की इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलते हैं। जैसा कि आप नॉर्थ ईस्ट पे आओगे तो इंग्लिश थोड़ा सा अलग है, साउथ ईस्ट पे आओगे तो इंग्लिश और थोड़ा सा अलग है, और इसलिए हुंडई ने क्या किया है, इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ 10 ऐसे जो लैंग्वेज को सिलेक्ट किया है, ऐसे लैंग्वेज तो नहीं कह सकता हूँ, वे आप स्पीकिंग को सिलेक्ट किया है, वो इजी से आपकी लैंग्वेज को पता कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप साउथ से हो, नॉर्थ से हो, या ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऐसे लैंग्वेज को सेट किया है हुंडई ने उस इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर। आप इंडिया में आप कहां से भी हो तो आपकी लैंग्वेज में आप कह सकते हो आपकी
स्टाइल में आप उसको कहोगे तो वो समझ आएगा, बट महेंद्र की XUV 300 में ऐसा नहीं है। आपको बार बार अच्छे से बोलना पड़ता है और रिपीटली बोलना पड़ता है। जो एफिशिएंसी है XUV 300 में कम है और महिंद्रा की और हुंडई की वेन्यू के अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही है। और दोस्तों ये इंफोटेनमेंट सिस्टम सपोर्ट करेगा एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वॉइस कमांड की सपोर्ट, मिरर लिंक, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑडियो प्ले, वीडियो प्ले और सारे जो फीचर्स ये इंफोटेनमेंट सिस्टम सपोर्ट करता है। हुंडई वेन्यू के अंदर एक नया ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी आने वाला है जिसका नाम है ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक। दोस्तों आपने सुना होगा टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक फिलहाल मारुति सुजुकी कार में आता है और सीवीटी सुना होगा होंडा कार में आता है और नॉर्मल जो ऑटोमेटिक जैसा कि हुंडई ने प्रोवाइड करता है सेंट्रो में और मारुति ने प्रोवाइड करता है ऑटो शिफ्ट गियर नाम से सेलेरियो में, ऐसा ऑटोमेटिक सुना होगा। बट हुंडई वेन्यू के अंदर डुअल क्लच ऑटोमेटिक आने वाला है। नाम से ही पता चलता है इस कार के अंदर क्लच दो है। दोस्तों एक ऐसा टेक्नोलॉजी है आपकी कार के अंदर एक कंप्यूटराइज्ड ट्रांसमिशन है। ये सारे जो प्रोसेस होता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कंप्यूटराइज्ड होता है डुअल क्लच में, बट सीवीटी और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर में कंप्यूटराइज्ड नहीं होती है। ये क्या करता है, जब भी आप चढ़ाते हो, जब भी आप सीधा चलते हो, जो ये टेक्नोलॉजी क्या करती है, आप कहाँ जा रहे हो और आपकी रास्ता कैसे है ये सारे पता करके उसे हिसाब से पावर को डिलीवर करती है। इसका जो आउटपुट क्या है, माइलेज जो एफिशिएंसी है काफी बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल जो सेम इंजन ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर और सीवीटी जितना माइलेज देती है उससे भी ज्यादा माइलेज डुअल क्लच सिस्टम देता है, क्योंकि वो थोड़ा सा एफिशिएंट वे है, वो पता करता है और आप कहाँ चला रहे हो। उसके साथ ही इसके अंदर आपको इको मोड और स्पोर्ट्स मोड भी है। जब आप इस कार को इको मोड पे जाओगे तो थोड़ा सा पावर को लो करेगा और एफिशिएंसी को हाई करेगा, जब आप स्पोर्ट्स मोड पे डालोगे तो आपकी पावर काफी ज्यादा होगा और माइलेज का प्रायोरिटी कम होगा। ऐसे भी टेक्नोलॉजी डुअल क्लच के साथ है और ऐसा जो फीचर XUV 300 में नहीं है और XUV 300 में ऑटोमेटिक भी नहीं है, सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन है। हुंडई वेन्यू के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स आने वाला है। दोस्तों पहली बार हुंडई ने हुंडई वर्ना के अंदर वेंटिलेटेड सीट दिया था। हुंडई वर्ना की टॉप एंड वेरिएंट SX ऑप्शनल में वेंटिलेटेड सीट अभी भी आते हैं, वही सीट हुंडई की वेन्यू में भी आने वाला है। हुंडई वेन्यू की ड्राइवर सीट और को पैसेंजर सीट में वेंटिलेटेड सीट्स होने वाला है। दोस्तों महिंद्रा की XUV 300 भी काफी ज्यादा फीचर की कार है, बट मुझे लगता है कि XUV 300 में काफी जरूरत है फीचर्स नहीं है, जैसा कि उसके अंदर दिया है हीटेड मिरर। इंडिया में तो इतना गर्मी पड़ती है और मिरर को हीट करके क्या करेंगे। और आप देख सकते हो ड्यूअल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम AC, वो भी नहीं जरूरत था, वो भी XUV 300 के अंदर दिया है महिंद्रा ने। और उसके साथ ही आपको जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका जो आप कलर चेंज कर सकते हो। मुझे लगता है ये सारे फीचर को छोड़ के वेंटिलेटेड सीट्स देना चाहिए था महिंद्रा को। उसके साथ ही जो हुंडई ने कनेक्टेड दिया है ऐसा ही फीचर्स देना चाहिए था, बट मुझे लगता है XUV 300 यहाँ पे पीछे गया और यही जो पकड़ के हुंडई के वेन्यू को लॉन्च करने वाला है इंडिया में। वेन्यू बेस है हुंडई की प्रीमियम SUV सेंटा फे के ऊपर। दोस्तों सेंटा फे हुंडई की प्रीमियम SUV है, उसका छोटा वर्जन है हुंडई की वेन्यू। बट दोस्तों महिंद्रा की XUV 300 देखोगे ना, एक पूरी तरह से एक अलग प्रोडक्ट है। XUV 300 XUV 500 से मिलता जुलता नहीं है, या आप देख सकते हो आगे पीछे दाएं बाएं आप देखो किसी जगह पे भी वो मिलता नहीं है, बट वेन्यू उसकी जो प्रीमियम जो सेंटा फे से मिलता जुलता है। उसका जो इंटीरियर है वो लगभग सेम है और इंटीरियर का जो मटेरियल क्वालिटी है और जो लेदर है वो हुंडई का तो इंटीरियर काफी बढ़िया रहता है, टच एंड फिट एंड फिनिश होती है हुंडई की काफी बढ़िया रहता है और XUV 300 भी काफी अच्छा है। फिर भी हुंडई ने कितना प्रोवाइड करता है इंटीरियर के अंदर जो फिट एंड फिनिश उतना
महिंद्रा नहीं करती है उसकी कार में, मुझे लगता है वो उस जगह पे एक्सयूवी थ्री थोड़ा सा पीछे आ जाती है। चलिए हम बात करेंगे हुंडई वेन्यू की लॉन्च डेट और प्राइस के बारे में। दोस्तों हुंडई वेन्यू एक ग्लोबल कार है और ग्लोबली एनुअल होने वाला है 17 अप्रैल और इंडिया में आएगा 21 मई 2019। दोस्तों ये जो इंडिया वाला डेट बता रहा हूँ ये रूमर है, अब तक कंफर्म नहीं है, कुछ ही दिन पे कंफर्म हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता चलना चाहिए। और दोस्तों इस कार की प्राइस है 8 लाख से शुरुआत होके 12 लाख तक जा सकती है। अब इस प्राइस सेगमेंट में फोर्ड की इको स्पोर्ट है, महिंद्रा की एक्सयूवी 300 है, टाटा नेक्सॉन और जो मारुति सुजुकी के विटारो ब्रेजा थोड़ा सा पीछे आता है और ये दोनों कार से भी हुंडई वेन्यू थोड़ा सा महंगा होने वाला है। फिर भी मुझे लगता है हुंडई वेन्यू काफी वैल्यू फॉर मनी रहेगा क्योंकि हुंडई वेन्यू के अंदर काफी फीचर्स दिया गया है। तो ये थे दोस्तों छोटा सा अपडेट आपके साथ शेयर करने का मन किया। क्या आपको ये वीडियो पसंद है? पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक आपने ऑटो एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक मसालेदार एपिसोड में। गुड बाय।